ब्रा नहीं पहनना, क्योंकि स्त्री मुक्ति, जैसे पुरुष रहता है ना ऐसे रहना, स्त्री मुक्ति, मूर्खों के मूर्ख, बिना सोचे बिना समझे ये कर। हिंदुस्तान में भी स्त्री मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ, हां, और जोरदार। और वो स्त्री मुक्ति आंदोलन के कुछ नेता हैं इस देश में जिनसे मैं मिल चुका हूं, मैं उनसे पूछता हूं स्त्री मुक्ति क्या है, सिगरेट पीना स्त्री मुक्ति, जैसे पुरुष पीता है ना हम भी पिएंगे स्त्री मुक्ति, शराब पीना स्त्री मुक्ति, पुरुष के साथ बैठकर शराब पीना स्त्री मुक्ति, पुरुष के साथ बैठकर सिगरेट पीना स्त्री मुक्ति, पुरुष जैसे कपड़े पहनता है वैसे पहनना स्त्री मुक्ति, पुरुष जैसे बाल रखता है वैसे बाल कटवाना स्त्री मुक्ति। हमने ये तमाशा शुरू कर दिया इस देश में, बिना सोचे बिना समझे, मूर्खों के मूर्ख, कूड़ मगज, हम स्त्री मुक्ति में लगे हुए हैं। उनको शराब पिला रहे हैं, सिगरेट पहना रहे हैं, जींस पहना रहे हैं, टॉपलेस शर्ट पहना रहे हैं, और अब तो इतनी बुरी हालत हो गई है। कुछ विश्वविद्यालय इस देश में ऐसे हैं जिन्होंने स्त्री मुक्ति के नाम पर आंदोलन चलाया है, ब्रा नहीं पहनना क्योंकि स्त्री मुक्ति, जैसे पुरुष रहता है ना ऐसे रहना स्त्री मुक्ति, मूर्खों के मूर्ख, बिना सोचे बिना समझे ये कर। और बहुत संस्थाएं इस देश में बनी है स्त्री मुक्ति आंदोलन चलाने की। वहां स्त्री मुक्ति क्यों है, यहां क्या है, आप जरा बताओ, भारत में ऐसा कौन सा राजा हुआ जिसने किसी स्त्री को समाज में वोट डालने का अधिकार रोक दिया, कौन सा ऐसा राजा हुआ जिसने स्त्री को संपत्ति का अधिकार रोक दिया, कौन सा ऐसा राजा हुआ जिसने स्त्री को परिवार में नीचे का दर्जा दिलवाया, कौन से ऐसे शास्त्र हैं इस देश में। यहां तो हम जितने भी शास्त्र पढ़ते हैं ना, हर जगह घुमा फिराकर एक बात आती है जिसका एक ही अर्थ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का स्थान ऊंचा होता है ना, वहां देवता भी निवास करते हैं, क्योंकि स्त्रियों में जो गुण हैं वो ईश्वरीय माने जाते हैं।